सिक्कों की खनखन में इतिहास की कुछ ऐसी कथाएं भी छिपी हुई हैं, जो शायद इतिहास के दस्तावेजों में उतनी प्रमुखता और स्पष्टता से नहीं दिखती। भारत कभी सोने की चिड़िया भी था और कश्मीर इस सोने की चिड़िया का मुकुट। इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए कई बर्बर आक्रांता यहाँ आए। कश्मीर के सिक्कों ने इन चेहरों को बहुत पास से देखा है। मुद्रा शास्त्रियों के दृष्टिकोण से देखें तो कश्मीर के इतिहास को चार युगों में बांट सकते हैं। पहला युग जब कश्मीर पर हिंदू राजाओं का राज्य था और सिक्कों पर दिखती थी कुषाण साम्राज्य की छाप। उसके बाद कुछ हिंदू राजाओं ने कश्मीर पर राज्य किया। लेकिन दूसरा युग जब कश्मीर पर सन 1346 से 1586 तक कश्मीर सल्तनत के अंतर्गत सैयद राजवंश का शासन रहा। कश्मीर सल्तनत के शासनकाल में सिक्कों पर इस्लामिक संस्कृति की छाप दिखाई देने लगी थी। सिक्कों के इतिहास का तीसरा युग उसके बाद आया जब कश्मीर ने 1752 तक मुगल वंश और फिर 1819 तक अफगान शासकों का शासन देखा। इन सिक्कों का चौथा युग था कश्मीर के सिख राजाओं का, जिसका जीवंत इतिहास आज भी जम्मू और कश्मीर में बसा हुआ है। कश्मीर में कुछ ऐसे सिक्के पाए गए हैं जो 5वीं सदी के हो सकते हैं, मगर उनके बारे में ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते। इसलिए कश्मीरी सिक्कों के इतिहास का अध्ययन करते समय ज्यादातर मुद्रा शास्त्री और इतिहासकार 8वीं सदी में मिले उन सिक्कों को पूरी मान्यता देते हैं जिन्हें कश्मीर के नागा राजवंश ने चलाया था। इस दौर के सिक्कों में हिंदू राजाओं के आधिपत्य का प्रभाव नजर आता था। सोने के इन सिक्कों में सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्के वो थे जिन पर एक तरफ राजा का चेहरा होता था और दूसरी तरफ देवी की प्रतिमा अंकित होती थी। शायद इसके बाद से ही कश्मीर में सिक्कों पर देवी का चेहरा बनाने की परंपरा शुरू हुई, जो बहुत आगे तक गई। आज भी जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में प्रसाद के साथ चांदी के सिक्के दिए जाते हैं, जिनमें वैष्णो माता की पिंडियों का रूप अंकित होता है। सिक्कों की यात्रा में एक नई गति आई 9वीं शताब्दी में वर्मा राजवंश के आगमन के साथ। वर्मा राजवंश की निगाह पड़ी कश्मीर में उपलब्ध तांबे के भंडारों पर। उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए, जो उनके साम्राज्य की संप्रभुता के प्रतीक बने। 9वीं शताब्दी के शुरू में उत्पला राजवंश की रानी सुगंधा ने सत्ता की बागडोर संभाली और अपनी साख और पहचान बनाने के लिए सिक्कों का सहारा लिया। सिक्कों पर उनका नाम छापा गया। 10वीं सदी में लोहारा साम्राज्य के शासक क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद कश्मीर का शासन संभाला उनके पुत्र अभिमन्यु द्वितीय ने। अभिमन्यु तब उम्र में काफी छोटे थे, इसलिए उनकी ओर से सारे फैसले करती थी रानी दिद्दा। विरोधियों को सख्त संदेश भेजने के इरादे से रानी दिद्दा ने सिक्कों पर अपनी तस्वीर बनवाई। इस सिक्के पर दूसरी ओर देवी का चित्र बना था। 11वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में लोहारा राजवंश के राजा हर्षदेव ने तांबे के सिक्कों की जगह सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में लाए। 14वीं शताब्दी में कश्मीर में रिंचना साम्राज्य का राज्य था। तत्कालीन राजा उद्यन देव के आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी कोटा ने राजगद्दी संभाली। उनके दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री शाह मीर ने उन पर आक्रमण किया और राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ते हुए उनसे विवाह करके कश्मीर के निर्विवादित राजा बन गए। इस तरह कश्मीर में सैयद साम्राज्य की स्थापना हुई। सन 1342 से 1420 तक इसी राजवंश के 8 राजाओं ने बारी बारी कश्मीर पर राज किया। इन सालों में कश्मीर के सिक्कों का चेहरा धुंधला हो गया। इसी वंश के जैनुल आबिदीन ने 50 वर्षों तक शासन किया और इसी दौरान सैयद साम्राज्य का पहला सिक्का चलाया गया। जैनुल आबिदीन ने 1420 के बाद कश्मीर में सोने, चांदी और तांबे के अलग अलग सिक्के भी चलाए। सोने का सिक्का, जिसे दीनार कहते थे, उसका भार 1 तोला यानी कि 11.2 ग्राम होता था। ये सिक्के गोलाकार थे और इन सिक्कों पर अरबी भाषा में शासक का नाम लिखा था, जैसे कि अल सुल्तान अल आजम जैनुल आबिदीन। चांदी के सिक्कों का भार रखा गया 6.2 ग्राम। इस सिक्के का भार चांदी के सिक्कों की ढलाई के लिए एक तरह का मानक भार यानी स्टैंडर्ड वेट बन गया, क्योंकि उसके बाद ज्यादातर सिक्के इसी भार में निकाले गए हैं। सासनू सिक्के ये भी दर्शाते हैं कि किस तरह हिंदू राजाओं और उनके प्रतिनिधियों का आधिपत्य समाप्त हो रहा था। इस्लाम के रीति रिवाजों के अनुसार सोने और चांदी के सिक्कों पर शासक की तस्वीर नहीं थी, मगर उनका नाम जरूर अंकित था। चांदी के सिक्के के पीछे एक पुष्प जैसी आकृति बनी हुई थी। कुछ इतिहासकार इसे हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण सूर्य का प्रतिरूप भी मानते हैं। सैयद राजवंश के पिछले राजाओं की सोच के विपरीत जैनुल आबिदीन हिंदू धर्म के प्रति काफी सहिष्णु थे और उन्होंने हिंदू धर्म के प्रतीकों को शासन में उचित स्थान दिया। इसी दौर में बने तांबे के सिक्कों को कसेरा नाम दिया गया। ये सिक्का गोल था और उस समय सबसे कम कीमत का सिक्का था। कश्मीर के सिक्कों की लिखावट मुगल राजा बाबर के वंशज मिर्जा हैदर दौलत ने 2 बार बदली। पहली बार ऐसा हुआ सन 1535 के आसपास। इस समय मध्य एशिया की ओर से कश्मीर के पड़ोसी राज्य काशगरी के राजा मीर सईद खान की सेना ने हैदर दौलत के नेतृत्व में कश्मीर को जीता। तत्कालीन राजा मोहम्मद शाह से समझौता किया गया और सिक्कों पर मीर सईद खान का नाम लिखवाया गया। मोहम्मद शाह के बाद उनके 3 और वंशजों ने कश्मीर पर 16 साल तक राज किया।
तीसरे वंशज नाजुक शाह के समय में उसके विरोधियों ने मिर्जा हैदर दौलत को कश्मीर में फिर से आमंत्रित किया। हैदर उस समय भारत के शहंशाह हुमायूं के दरबार में मंत्री थे। उन्होंने एक बार फिर से राजनीतिक बिसात बिछाई। सभी पक्षों की रजामंदी से एक समझौता हुआ। इस राजनीतिक समझौते के अंतर्गत भारत के शहंशाह हुमायूं का नाम कश्मीर के सिक्कों पर लिखा गया। 1568 में तत्कालीन शासकों ने सम्राट अकबर के बढ़ाए हुए दोस्ती के हाथ को कबूल कर लिया और 1588 ईस्वी से कश्मीर में मुगलिया सिक्का चलने लगा। कश्मीर के सिक्कों ने एक बार फिर से नए शासक के वर्चस्व पर मुहर लगाई। जब 1747 में वहां अहमद शाह अब्दाली का कब्जा हुआ, नए राजाओं ने अपने सिक्के जारी किए जिन पर शासकों के नाम बदलते रहे। कश्मीर सल्तनत के राजाओं ने तकरीबन 222 सालों तक कश्मीर पर राज किया और कश्मीरी सिक्कों पर इस्लामिक प्रभाव स्पष्ट था। उसके बाद कश्मीर ने मुगल शासकों और अफगान शासकों के सिक्के भी देखे। इन सिक्कों की खनक में उस आक्रमण की धमक कोई नहीं सुन पाया जिसने कश्मीर में सन 1819 में भूचाल ला दिया। ये आक्रमण किया था सिख राजा रणजीत सिंह ने। उन्होंने अफगानियों को हराया और कश्मीर में अपना सूबेदार यानी गवर्नर बिठा दिया। इसी के साथ कश्मीर के सिक्कों के इतिहास के तीसरे युग का सूरज भी अस्त हो गया। इसके बाद कश्मीर के सिक्कों के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसके कुछ यादगार सिक्के आज भी लोगों ने सहेज कर रखे हुए हैं। और ये हैं जम्मू और कश्मीर के सिख राजाओं के सिक्के, जो 1819 से 1849 तक जम्मू और कश्मीर में प्रचलित रहे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.